अरे भाई सुन, मार्केट में क्रिकेट बुक आई है जो डेली एक बैट फ्री दे रही है 1000 तक। अच्छा, और भाई पता है 10,000 डिपॉजिट करने पर 100% बोनस दे रही है और साथ में कैसीनो वेलकम बोनस भी 100%। सही है यार, और पैसे भी खुद से डिपॉजिट और विद्रॉल कर सकते हैं। वाह यार, वैसे नाम क्या है इस क्रिकेट बुक का? अरे भाई गूगल कर www.cricketbook.com, यही नाम है, और अपना बोनस और फ्री बैट ले ले जल्दी से। ठीक है भाई, अभी जाता हूँ cricketbook.com पर। अगस्त 1947, आजादी की खुशी दुख के सागर में डूब गई थी। भारत विभाजन ने इंसानियत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, ऐसे जख्म दिए थे जो आज तक नहीं भरे। 30 जनवरी 1948 को भारत की आत्मा को झकझोरने वाली एक घटना घटी। ये फिल्म उसी ऐतिहासिक त्रासदी का काल्पनिक विस्तार है। आमने सामने है महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे, और उनके बीच होता है एक भीषण विचारों का युद्ध। हमने उन्हीं दोनों के विचारों को बिना पक्षपात के पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ प्रस्तुत किया है।
ठीक है हथियारों, अगर पाकिस्तान तुम्हारा है तो हिंदुस्तान हमारा है, हम भी तुम्हें यहां जीने नहीं देंगे, नहीं जीने देंगे। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैशीपन भी देखना पड़ेगा। क्या आदमी इतना गिर सकता है? बच्चों और औरतों पर इतना जुल्म। मुस्लिम मोहल्लों से लगातार शिकायतें आ रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनके घरों पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, मस्जिदों को मंदिर बनाने की कोशिश हो रही है। अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। अब इन लोगों को कैसे रोके? होम मिनिस्ट्री पूरी कोशिश कर रही है पंडित जी। पाकिस्तान में जो हुआ और जो हो रहा है वो हमारे बस में नहीं, परंतु यहां भारत में हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। यहां सबको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। क्या जवाब दे पाकिस्तान को? वो 55 करोड़ की मांग बार बार कर रहे हैं। माउंटबेटन भी इसके लिए जोर डाल रहे हैं। यस, आई एम अवेयर ऑफ इट, पर आज देश के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम है, 55 करोड़ का बाद में देखें। देखना देखना कुछ नहीं, पाकिस्तान विश्वास के लायक है ही नहीं। वो हमसे पैसे लेकर हथियार खरीदेगा और हम ही पे चढ़ाई करेगा। जब तक उसकी फौज कश्मीर से निकल नहीं जाती, 55 करोड़ तो क्या एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे हम। World knows that as per the partition agreement, India agreed to pay 75 crore to Pakistan. 20 crore have been paid. Now refusing to pay the balance, 55 crores, would be an act of international embezzlement. You are right, sir. Refusing to pay the agreed upon amount is indeed a dishonorable act. Only you can make them understand. You really think so? Nobody seeks my advice anymore. Anyway, I will talk to them.
हमारी इस आजादी ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। ये सब तुम्हारा किया कराया है गांधी, ये बंटवारा, ये खून खराबा, इस सबके जिम्मेदार तुम हो गांधी। अरे आप हो जिम्मेदार। सड़क पर आ गए हम सबके साथ, भूखो मर रहे हैं, भूखो नहीं चटेंगे मुसलमानों। मुसलमान हमारे भाई हैं। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। तुम हमारे दुश्मन हो, तुम हिंदुओं के दुश्मन हो। अरे कत्ता तुम, कत्ता तुम। ये गांधी अंग्रेज सरकार का एजेंट है। देश के गरम दल और युवा क्रांतिकारियों को तोड़ने के लिए ही अंग्रेज सरकार इसे यहाँ लेकर आई। इस गांधी ने आजादी की लड़ाई को खादी, चरखा और अहिंसा के चक्कर में उलझा दिया। ये गांधी ना होता तो हमें 20 साल पहले आजादी मिल गई होती और ना ही देश का बंटवारा होता। हजारों हिंदुओं को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, सैकड़ों बहनों पर बलात्कार कर दिया गया है, बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह बेचा जा रहा है बाजार में। हाँ, ये सब तो हो ही रहा है पाकिस्तान में। ये सब तो हो ही रहा है वहां पर आटे पर। जो लोग वहां से किसी तरह जान बचाकर दिल्ली पहुंचे हैं वो दिल्ली की सड़कों पर मर रहे हैं भूख से, सर्दी से। उनको पूछने वाला कोई नहीं। और गांधी जिसने यह कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, वो जिंदा है, वहां बिरला हाउस में बैठकर बकरी का दूध पी रहा है। काय मस्करी वाटते तुम्हाला? कुछ कहिए बापू, सरकार पर हमारा अब कोई भरोसा नहीं रहा। बस आप ही है जो हमें बचा सकते हैं। कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, वहां हमारा क्या है बापू? यही हमारी जमीन है, यही हमारा मुल्क है। जैसे नोआखाली में आपने लाखों लोगों की जान बचाई थी बापू, उसी तरह हम लोगों को भी बचा लिए। आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हमें कोई नहीं बचा सकता बापू। अगर आपने कुछ नहीं किया तो दिल्ली में एक मुसलमान नहीं बचेगा बापू, मुसलमान नहीं बचेगा। हमें बचा नहीं थी बापू, बचा नहीं बापू। कुछ कहिए बापू, आप बचा रहे कुछ कहिए बापू, हम कहा जाए। आर यू श्योर मिस्टर गांधी? यस आई एम वेरी मच श्योर, फास्ट एंड टू डेथ। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं कल से ही शुरू करूंगा। हमारे नाम से की भी यही रहा। इस वक्त उनका आमरण अनशन पर बैठना लोगों को बहुत बुरा लगेगा। उनके आमरण अनशन की शर्तें क्या हैं? और शर्तें की हैं जी, बस मुसलमानों को खुश करने लगे गांधी, हिंदुओं दे खड़ा तस्या पाव रिया। और वो चाहते हैं कि बैरोल में ख्वाजा बख्तियार का उर्स शांतिपूर्वक मनाया जाए। हिंदू चाहे जिए चाहे मरे, गांधी जी चाहते हैं मुसलमानों को पूरी सुरक्षा दी जाए। और तो और, वो चाहते हैं जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं उन्हें भी हाथ जोड़कर वापस बुला लें और यहाँ बसा दें। हम हिंदुओं पर मुसलमानों ने कितना अत्याचार किया और गांधी कहते हैं कि वो तुम्हारे भाई हैं और उनके साथ पहले जैसा व्यवहार और व्यापार किया जाए। हिंदू शरारती भूख और सर्दी से सड़कों पर मरते हैं तो मर जाए, गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस ये चाहते हैं मुसलमानों को उनके घर और मस्जिदें वापस लौटा दी जाए।
मैं चाहता हूं ये सारा काम हिंदू सिख अपने दिल से करें, उसी से भाईचारा बढ़ेगा, शांति होगी, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती ना हो। नहीं, गांधी की लाठी है जो हिंदुओं पर चल रही है, बहुत जल्द ही टूट कर रहेगी। बापू, आप जो कुछ चाहते थे सब हो रहा है। हिंदुओं और सिखों ने अपनी मर्जी से मुसलमान भाइयों के मकानात और मस्जिदें उन्हें सौंप दिए हैं बापू। सारे लीडर्स ने भी लिख कर दे दिया है कि वो शहर में शांति बनाए रखेंगे। आप अनशन छोड़ दीजिए बापू। डॉक्टरों की टीम ने रिपोर्ट दी है कि महात्मा गांधी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली और दूसरे देशों के बड़े नेताओं ने भी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के सभी बड़े नेता दिन भर बिरला हाउस में गांधी जी के करीब मौजूद रहे। सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने गांधी जी को लिखकर यह विश्वास दिलाया है कि शहर में शांति बनी रहेगी और उनसे अनुरोध किया है कि वे अपना अनशन तोड़ दें। भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना स्वीकार कर लिया है। दो को फुटाई ची पाड़िया लिया था। कहर खर्च कहर है, इसी बात का डर था मुझे। गांधी को कौन मना करेगा? ये गांधी बार 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 आमरण अनशन का ड्रामा करके सरकार से, लोगों से अपनी बात मनवाता है। और सरकार को लोगों की चिंता नहीं, उन्हें देश की परवाह नहीं, वो सिर्फ एक आदमी को खुश करने में लगे हुए हैं, सिर्फ एक आदमी को। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, हमारी मां बहनों का बलात्कार किया, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने, और क्या करें? क्या करें? गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है, कैसे रोका जाए उसे? त्यांचंच बरोबर होता। गांधी आपलं जीवन जगलाय, गांधी अपना जीवन जी चुका है, अब गांधी को मरना होगा। मैं उसका अंत करूंगा। Thank you.
कमाल कर दिया बाबू आपने। जो एडमिनिस्ट्रेशन ना कर सका वो आपने अकेले कर दिया। आप जो चाहते थे वो सब हो गया बापू। शहर में अब अमन और शांति है। आपका जीवन हमारे लिए और देश के लिए बहुत अनमोल है, तो अनशन खत्म कीजिए। मौलाना, सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं बापू, आपका आदर सम्मान करते हैं। चलिए पीजिए 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 बापू। चलिए कैसा जी, सभी लोग महात्मा जी की जय बोल रहे हैं जी। आप पीजिए। इंटेलिजेंस से पक्की खबर मिली। होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपकी अनुमति चाहते हैं। प्रार्थना सभा में जो लोग आते हैं उन सबकी तलाशी लेना बहुत जरूरी है बाबू। प्रार्थना सभा में आने वालों की तलाशी लेने का मतलब है उनकी आस्था पर संदेह करना। पर बाबू, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मैं हिंदू हूं, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर, अभिमान है मुझे हिंदू राष्ट्र की इस पावन भूमि में जन्म लेने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूं और प्राण ले भी सकता हूं। Out of danger now. Thank you, doctor. देखिए, सुनिए, सुनिए। आप लोग शांति बनाए रखें, कोई खतरा नहीं है। बापूजी बच गए हैं। बापू बच गए। Thank you.
सुषमा तुम यहाँ? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, बाबू बच गए, बाबू बच गए। हाँ ये तो चमत्कार हुआ है। ये चमत्कार नहीं, हम सबकी दुआओं का असर है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। एक और खुशखबरी सुनो, आज मैंने उस मकान का सौदा कर लिया है जो तुम्हें पसंद था, जहाँ हमारा घर बसेगा। और हाँ, मैंने तुम्हारी पसंद के दो रात रानी के पौधे भी लगा दिए हैं। अब हमारा घर महका करेगा तुम्हारी और रात रानी की खुशबू से। अरे कहाँ खो गई? मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है कहो। मैं बापू के साथ देश सेवा करना चाहती हूँ। ये अचानक तुम्हें क्या सूझी? आप तो जानते ही हैं, पिताजी भारत छोड़ो आंदोलन में बापू के साथ थे। जुलूस पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी और पिताजी के सिर पर गहरी चोट आई। इलाज बहुत हुआ पर रो मत। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि गांधी जी देवता है, उन्हें ईश्वर ने हम सबके लिए धरती पर भेजा है। उनकी अंतिम इच्छा बस यही थी कि मैं बापू के साथ मिलकर देश की सेवा कर सकूं। आपको कोई एतराज तो नहीं? तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ देश सेवा करने। सच? ये क्या बापू, नर्स बता रही थी कि आपने दवाई लेने से मना कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कम से कम 15 दिनों तक आपको दवाइयां लेनी है। अब मैं ही अपना डॉक्टर हूं, पहले बेहोश था तो दूसरी बात थी, अब मैंने अपनी खुराक को ही दवा बना लिया है। क्या बात, तुम मेरी चिंता मत करो। ये दो किताब मुझे चाहिए। जी अच्छा। नमस्ते बाबू। कौन हो तुम? मेरा नाम सुषमा है, मैं शहीद रामपाल वर्मा की बेटी हूँ। तुम्हारे पिताजी याद है मुझे, बड़े बहादुर देशभक्त हैं। तुम क्या कर रही हो? बीए का इम्तिहान दिया है और संगीत भी सीख रही हूँ। ये नरेन है बापू। नमस्ते बापू। हम आपके साथ देश सेवा करना चाहते हैं। जी हाँ बापू। तुम क्या करते हो? मैं दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देश सेवा तो तुम कर ही रहे हो। अगर मैं भी आपके अरे साथ कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? हमें बापू से डॉक्टरों ने बापू को कंप्लीट रेस्ट बताया है, प्लीज आप बाहर जाइए। अब प्यारे लाल तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं देगा, तुम लोग जाओ प्रार्थना सभा में आना। मुझे अभी पता चला बापू कि नाथूराम गोडसे ने अदालत में सब कुछ कबूल कर लिया। वो पूना से एक अखबार निकालता है, हिंदू राष्ट्र, सावरकर उसके आदर्श हैं। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये गोडसे। मैं गोडसे से मिलना चाहता हूं। पर क्यों बापू, वो तो आपकी हत्या करना चाहता था। मिलने की यही वजह है। मैं तुम्हारे सरदार साहब से बात कर लूंगा, तुम अभी खोल दो। जी खोल दो इसे। अब आप सब जाइए। ये क्या महात्मा जी, हम इसको आपके साथ अकेला कैसे छोड़ दें? मुझे विश्वास है ये मुझे कुछ नहीं करेगा। आप सब जाइए। जी चलो। जरा दरवाजा बंद करके जाना। नमस्ते। मुझे खुशी है गोडसे कि परमात्मा ने तुम्हें साहस दिया और तुमने अपना अपराध मान लिया। मैंने कोई अपराध नहीं किया। अदालत में भी मैंने यही बयान दिया था कि मैंने तुम पर गोली चलाई थी। तो तुम मेरी हत्या को अपराध नहीं मानते?
नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य महान है। कैसा उद्देश्य? तुम हिंदुओं के शत्रु हो गांधी। इस देश को, हिंदुओं को तुमसे हानि हुई है। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए मैं तुम्हारा वध करना चाहता था। और करना चाहता हूं। कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम्हारे हाथ भी खुले हैं। मेरे हाथ तुमने खुलवाए हैं गांधी। तुमने विश्वास किया है मुझ पर और मैं उस विश्वास की हत्या नहीं करना चाहता। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हें यह बताने आया था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं अदालत में बयान देने भी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम पर गोली चलाने के आरोप में मैं सजा पाना चाहता हूं, फांसी पर चढ़ना चाहता हूं। ये क्या गोड़ से? दूसरों के लिए भी हिंसा और अपने लिए भी हिंसा? तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का कर्म तो ज्ञान, दया, क्षमा, आस्तिकता। बस बस बस, मुझे मेरा कर्म मत समझाओ गांधी। जाओ, जाकर अपना कर्म सुधारो। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। राम राम। ये आपने क्या कह दिया बापू? ये कैसे हो सकता है? ये तो हम सोच भी नहीं सकते महात्मा जी। आप सच में कांग्रेस डिसॉल्व करने के लिए कह रहे हैं? हाँ जवाहर, मैं जानता हूं मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूं। ऐसी बात जो जहर लग सकती है, पर है ये अमृत। कांग्रेस को डिसॉल्व करने का क्या जस्टिफिकेशन है बापू? पार्टी में अनुशासन है, एकता की भावना है। ये ऊपरी दिखावा है सरदार। बहुत सी बातों पर तो तुम और जवाहर भी एक दूसरे से सहमत नहीं हो। मतभेद होना तो स्वाभाविक है बापू, परंतु हम सभी का उद्देश्य एक ही है, देश सेवा। और फिर बापू, आप तो जानते ही हैं, देश में आज इतनी समस्याएं हैं। कश्मीर में लड़ाई बढ़ती जा रही है, शरणार्थियों की जिम्मेदारी उठाना बस के बाहर हो रहा है। हैदराबाद में विदेशी जहाज हथियार लेके आ रहे हैं। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान से मिलना चाहता है बापू। देश के लोगों ने हमसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं बापू। भारत को एक देश बनाने का यही वक्त है बापू। और अगर कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया गया तो शासन कौन करेगा? वही शासन करेंगे जिन्हें चुनाव में जनता चुनेगी। और मेरा ये भी मानना है कि कांग्रेस के नाम पर अब किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों बापू? ऐसा करना जनता के साथ धोखा होगा। कैसा धोखा बापू? देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस एक खुला मंच था, जिससे हर विचार के लोग जुड़ गए थे। अब आजादी मिल गई, कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया है। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे बापू? देश सेवा, जिसकी हमने प्रतिज्ञा की है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। हम सब गांव में जाएंगे, वहां के लोगों की जरूरतों को समझेंगे, गांव को सशक्त बनाएंगे। सही मानों में देश का विकास तब होगा। सरकार में रहकर क्या हम देश सेवा नहीं कर सकते बापू? सरकारें हुकूमत करती है जवाहर, सेवा नहीं करती। सरकारें सत्ता का प्रतीक होती है, सत्ता सिर्फ अपनी सेवा करती है। हमने हमेशा आपकी गाइडेंस में काम किया है बापू, आगे भी करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे प्रस्ताव के विषय में तुम लोगों ने क्या सोचा है?
गांधी जी आप नहीं, मेरे ख्याल से ये प्रस्ताव हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने रखते थे। हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। तुम लोग क्या सोचते हो? वर्किंग कमेटी की जो राय रहेगी वही जी 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 सबकी राय रहेगी। नथुराम, नथुराम ये देखो क्या चुका है। गांधी ने अदालत को लिखकर दे दिया है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया है और हम सबको भी। क्या सच में? इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात? अरे ढोंगी है गांधी, उसके हर बात के पीछे कोई चाल होती है। हम सबको माफ करने के पीछे क्या चाल हो सकती है? गुड़ से लोग उसे क्या कहते हैं? महात्मा। वही साबित कर रहा है। कुछ भी कहो नथुरा, उसने जो कहा था वो पूरा किया है। बुड्ढे में कुछ तो है। बुड्ढे में कुछ नहीं, बहुत कुछ है। तभी तो पूरे देश को अपनी उंगलियों पर ना चाहता है। उसे समझना इतना आसान नहीं है। बापू को आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। वो एक पहली है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बाबू के प्रस्ताव को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खारिज कर दिया। उसका यह मतलब तो नहीं कि वो कांग्रेस से सालों पुराना रिश्ता तोड़ दे। इस समय देश को एक दिशा देने की जरूरत है जवाहर। बापू आपके कांग्रेस छोड़ने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप जानते हैं गोडसे ने अपने अखबार में क्या लिखा है? मैंने वही लिखा है जो सच है। बंटवारे में हजारों लोग मारे गए, तबाह हो गए। ये सब गांधी और कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ है। ये मौका परस्त कांग्रेस के नेता जल्द से जल्द गद्दी पर बैठना चाहते थे। बस गोडसे अपने अखबार के जरिए कांग्रेस की छवि खराब करने पे तुला हुआ है। अब उसका अखबार जोरों से चलने लगा है। आप पर गोली चलाकर गोडसे बहुत बड़ा नायक बन गया है। बहुत सही कहा आपने, अब तो वह हिंदू हृदय सम्मान कहलाता है। माफ कीजिएगा, कोई चाहे तो एक दिन में गोडसे बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की है। और कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। देश को आजादी सिर्फ गांधी या कांग्रेस ने नहीं दिलाई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत नौजवान सूली पर चढ़े हैं, गोलियां खाई हैं, जाने दी हैं देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। गोडसे को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, उसे लिखने दीजिए। लोगों का विश्वास आप अपने काम से जीतिए, शब्दों से नहीं। आप ठीक कह रहे हैं बाबू, पर कांग्रेस मत छोड़िए। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूं। बहुत उत्तम विचार है आपका, हम आपके साथ हैं, बनाकर रहेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत? आधुनिक भारत तो तब बनेगा जब देश में समानता हो और सबको न्याय मिले। आप कहना क्या चाहते हैं बाबा साहब? यही कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर ना शासन करना चाहिए और न उसका शोषण करना चाहिए। सदियों से चली आ रही ऊंच नीच और भेदभाव को तोड़कर हमें समाज में न्याय और समानता लानी चाहिए। समानता तो प्रकृति में भी नहीं है बाबा साहब। कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई, कहीं हरियाली है तो कहीं सूखा। कोई कुछ भी कर ले, गधा घोड़ा नहीं बन सकता। हम यहां इंसानों की बातें कर रहे हैं, जानवरों की नहीं। ये जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव ये प्रकृति ने नहीं बनाए, इंसानों ने बनाया है। कुछ ऊंचे वर्ग के लोग मनुस्मृति में लिखी बातों को धर्म मानते चलते आ रहे, अब इसे बदलना होगा। बाबा साहब हम संस्कारी लोग हैं, हम सब अपने पुरखों के बताए धर्म के मार्ग पर चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। धर्म ग्रंथ ही हमारे मार्गदर्शक है, उन्हीं से हमारी मुक्ति होगी। लेकिन देश की मुक्ति तो संविधान से ही होगी। अगर हम एक सशक्त, खुशहाल और आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। सही कह रहे हैं बाबा साहब।
मैं भी यही चाहता हूं। देश में हर प्रकार का भेदभाव छुआछूत खत्म हो, सबको सम्मान मिले, सबको न्याय मिले, और हम ये करके रहेंगे बाबा साहब। मेरे लिए तो यही सच्ची अल्लाह। भीमराव अंबेडकर तो संविधान की बात करता है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन गांधी का क्या करें? वो तो किसी कानून की परवाह नहीं करता। वो कभी भी हजारों अछूतों को लेकर हमारी कोठियों के बाहर धरना दे सकता है, उन्हें हमारे मंदिरों में घुसा सकता है। बहुत ही चालाक और अड़ियल आदमी है यह गांधी। जो आदमी यमराज को अंगूठा दिखाकर वापस आ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हमें अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाना है तो गांधी को। नमस्ते बापू, ये मेरी माँ है। हाँ, कैसी हो? ये आपसे कुछ बोलो ना। हाँ हाँ, देख बापू, इसे छोड़ मेरा और कोई ना है। ये बोली तेरे साथ देश सेवा करने जाएगी तो मैं अकेली घर में बैठी बैठी क्या करूंगी। मैं बोली चल मैं भी चलती हूँ, रोटी शोटी घर का सारा काम कर लूंगी। यो बोली तेरे पास एक बकरी भी है तो उस बकरी का भी पूरा ध्यान मैं रख लूंगी, ठीक से ना? क्या नाम है तुम्हारा? निर्मला बोले है मेरे। मेरी बकरी का नाम भी निर्मला है। निर्मला निर्मला की सेवा करेगी। और तुम यहाँ कैसे? मैं भी आपके साथ देश सेवा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, तुम कॉलेज में पढ़ा रहे हो, देश सेवा कर ही रहे हो। देखा तुमने, वही हुआ जिसका मुझे डर था। बापू ने मुझे फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा तो आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। तुम समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पास होना चाहता हूँ। देखो सुषमा, मैं सब कुछ कह सकता हूँ लेकिन तुमसे दूर रहना मुझे गवारा नहीं है। न जाने कहा, मुझे पूरा भरोसा है वो आपको जल्दी बुला लेंगे। मुझे नहीं लगता। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम मत जाओ सुषमा, प्लीज। ये कैसे हो सकता है? मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, मुझे बापू के साथ देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। पिताजी से उनकी महानता के किस्से सुन सुन कर बड़ी हुई हूँ, वो मेरे आदर्श है, वह महान है, महात्मा है। पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का। उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अखबारों में इतनी बड़ी खबर छपी है कि उसने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना? सच्चाई ये है कि वो आज भी कांग्रेस को कठपुतली की तरह नचाएगा। सच्चाई ये है कि हिंदुओं का जितना नुकसान औरंगजेब ने नहीं किया उससे कहीं ज्यादा नुकसान गांधी ने किया। सच्चाई ये है कि उसी के कारण हमारी इस पवित्र मातृभूमि पर इस्लामी राष्ट्र का निर्माण, मंदिरों में कुरान की आयत पढ़वाता है, लेकिन क्या कभी उसने ये कहा है कि मस्जिद में गीता का पाठ कराओ? कहा है? नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसके परिणाम भयंकर होंगे। सच्चाई यह है कि अहिंसा का पाठ पढ़ा पढ़ा कर उसने हिंदुओं को डरपोक बना दिया है, इसीलिए मेरा खून खौलने लगा। हिंदुत्व के लिए, मातृभूमि के लिए, हजारों वर्षों की इस संस्कृति को बचाने के लिए मैंने उस पर गोली चलाई। अरे भाई सुन, मार्केट में टिकट बुक आई है जो डेली कानून से 1000 तक। अच्छा, लेकिन और कल भाई सच्चाई से, ईमानदारी से इतिहास करने वाले इसे इंसाफ मानेंगे। और साथ में कसीनो वेलकम बोनस भी 100%। सही है यार, और पैसे भी। यार वैसे नाम क्या है इसका? अरे भाई गूगल कर, www.ticketbook.com नाम है, और अपना बोनस और फ्री बैट ले ले जल्दी से। क्या भाई अभी जाता हूँ cricketbook.com पर। साहब मैं नहीं जानता साहब।
आ रहे हैं, उसको पिस्तौल भेज दिया। उसने पैसा दिया ना साहब, और बोला बिहार जाएगा साहब। बिहार? गांधी जी बिहार में? बापू एकदम ठीक है, और यहाँ सांगरी गांव में उनका आश्रम बनकर तैयार भी हो गया है। प्रयोग आश्रम? ये प्रयोग आश्रम क्या है? प्रयोग आश्रम के जरिए ग्राम स्वराज का आंदोलन चलाना चाहते हैं बाप, सभी गांवों को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। पर चिंता की बात यह है कि होम मिनिस्टर के आदेश अनुसार हम उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे थे, पर उन्होंने मना कर दिया। बापू फिर गलती कर रहे हैं। कौन है ये लोग? अब तो बापू पॉलिटिक्स से दूर हो गए, कौन उन्हें मारना चाहते हैं? वो सब लोग जिन्हें बापू से और उनके विचारों से खतरा है, समाज के बड़े लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। बापू पर कभी भी हमला हो सकता है। अरे भाई सुन, मार्केट में क्रिकेट बुक आई है जो डेली एक बैट फ्री दे रही है 1000 तक। अच्छा, और भाई पता है 10,000 डिपॉजिट करने पर 100% बोनस दे रही है, और साथ में कैसीनो वेलकम बोनस भी 100%। सही है यार, और पैसे भी खुद से डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। वाह यार, वैसे नाम क्या है इस क्रिकेट बुक का? अरे भाई गूगल कर www.cricketbook.com, यही नाम है, और अपना बोनस और फ्री बैट ले ले जल्दी से। ठीक है भाई, अभी जाता हूँ cricketbook.com पर। नमस्कार बापू, मैं रामनाथ सिन्हा यहाँ का डेप्यूटी कमिश्नर हूँ। श्री बाबू का आदेश है कि इस गांव में 2 हैंडपंप लगवा दिए जाएं, वो सारा सामान लेकर आ गया, आप अनुमति दें तो लगवा दें। पहले इन्हें समझाइए हैंडपंप क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, इसकी जरूरत क्या है, और उसकी देखभाल कैसे की जाती है, फिर लगाइए। ठीक है बाबू, हमारे इंजीनियर इन्हें सब समझा देगा, आप उन्हें इनके साथ भेज दीजिए। जय जी बाबू, श्री बाबू का ये भी आदेश है, आपकी अनुमति हो तो आपकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस चौकी बनवा दें। सिन्हा साहब, यहाँ पुलिस चौकी बन चुकी है। कब, किसने, कोई जानकारी नहीं बाबू। सिन्हा साहब, यहाँ ग्राम स्वराज का प्रयोग चल रहा है, लोग खुद पर भरोसा करना सीख रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पुलिस भी बना ली है और चौकी भी। श्री बाबू को मेरा धन्यवाद कहिएगा। अच्छा राम, बापू आपसे भेंट करने के लिए कुछ लोग आए। Get out! Get out!
आफ्टरनून बापू। बापू ये हमारे जंगल काट रहे हैं बापू। गवर्नमेंट ऑर्डर बापू, आई मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ सड़क बनेगी, पावर प्लांट लगेगा, बिजली उगेगी, फायदा होगा। आपने इनको बताया कि क्या फायदा होगा? इनसे पूछा? गवर्नमेंट ऑर्डर बापू, व्हाई पूछिंग पुअर पीपल, दिस जंगल इज। ये जंगल इनकी माँ है, इस माँ ने इनको पाला है और इन्होंने इस माँ की देखभाल की है। ओह माय गॉड, मदर सेंटीमेंट। ये जंगल नहीं कटेगा। इधर बापू ऑर्डर, उधर गवर्नमेंट ऑर्डर, व्हाट आई डू? बट डेवलपमेंट का क्या होगा? प्रकृति जीवन का आधार है, प्रकृति को नुकसान करके कोई विकास नहीं होता। लोकतंत्र में जनता सरकार को आदेश देती है। आप अपने हाथियों को लेकर चले जाइए। ओह माय गॉड, महात्मा गांधी जिंदाबाद। ये लो, पावर प्लांट बनने से पहले ही गांधी ने उसकी बत्ती गुल करवा दी। अगर गांधी यही सब करता रहा ना, तो बन चुका नेहरू का आधुनिक भारत। चली रे मेरी नाव चली रे, जाने की धरी है मेरी नाव चली रे। कौन है ये? पटवारी है बापू, मुआयना कर रहा है। वैसे सर पे उठा के क्यों घूम रहे हैं उसे? यहाँ पर यही चलन है बापू, इसकी कलम में बड़ी ताकत है, जरा सी कलम घुमा दिए तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा बापू। तुम्हें ठीक से पैर दबाने में नहीं आता। हाँ बहुत चले हैं आप, थकान तो होगी। आज रात में सेवा के लिए किसे भेज रहा? कोई बुढ़िया सुढ़िया ना भेज देना पिछली बार की तरह। अरे नहीं नहीं हुजूर, हुजूर कलुआ की बेटी सयानी हो गई है। अच्छा हाँ, देखो इन लोगों को सर पर बैठा होगे तो बोझ इतना बढ़ जाएगा कि चल ही नहीं पाओगे। अकेला आदमी हमेशा मारा जाता है, इसलिए एकजुट होने में ही शक्ति है, सबकी मुक्ति है। इसलिए हमने यहाँ ग्राम स्वराज बनाया है, राम खिलावन को प्रधानमंत्री बनाया है बापू। और बापू इनकी बेटी को पटवारी उठा ले गया बापू। मीठी एकदम तेरी तरफ प्यारी। तेरे बाप को जेल में डलवा दूं? नहीं। तो आ जा प्यारी, बैठ जा। नहीं। मारती क्यों नहीं आता? हो
क्या नाम है तुम्हारा? श्याम किशोर पांडे। और कितना अत्याचार करोगे इन लोगों पर, और कब तक करोगे? है आजादी की लड़ाई इन लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर लड़ी है, लाठियां खाई है, जाने दी है अपनी, इस आशा से कि आजाद भारत में सब समान होंगे, सबका बराबर का अधिकार होगा। अपने अधिकारों के लिए इन्हें आजादी की एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए बापू। माफी तो तुम्हें फूलमती और उसके पिता कलुआ से मांगनी चाहिए। मेरा निर्णय तो यह है कि तुम्हें इनका खाना इनके साथ बैठकर खाना होगा। नहीं नहीं बापू, ऐसा मत कीजिए बापू। क्यों, ऊंची जाति के हो, इनकी बेटी मंजूर है, रोटी नहीं? गांधी ने पटवारी को धमकाया और नहला धुला कर गांव से भगा दिया। ये है आपके अहिंसा के पुजारी। मैं अहिंसा का पुजारी जरूर हूँ, पर अहिंसा कायरता का कवच नहीं होनी चाहिए। दोनों में फर्क है, सुना प्यारे लाल? जी सुना। ये किसकी चिट्ठी है? ये सुषमा की चिट्ठी, नरेंद्र ने भेजी। लाओ मुझे दो। अपना सामान बांधो और आश्रम से चली जाओ। क्यों बापू? ये पढ़ो। यहां नहीं है, आश्रम की क्या सेवा करोगे? उसी के पास चली जाओ। तो मैं आश्रम का अनुशासन क्यों किया? मुझे क्षमा कीजिए बापू, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे मुझे यहां से मत निकालिए। तुम्हारे मन में विकार है, तुम आश्रम में रहने योग्य नहीं हो। बापू प्लीज मुझे मौका दीजिए, प्लीज। कैसा दिया? चाराना से दलन अगर ये माल उठाओ सब। अबे हाथ मालिक उठाओ सब। बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू क्या करते हैं मालिक? करण, ये सड़ा हुआ टमाटर कहाँ से ले आया तू? इसको तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। पैसा दिया हजूर? दो टके से है दो आने ले। ये रख उठाओ सब। खाली सब्जी बेच रहा हजूर। अरे मालिक, मुर्गी कैसी थी? एक मुर्गे का दो आना मालिक। दो आना ये ले, दस आना पकड़।
फिर आप लोग अपना माल उसे देते ही क्यों? खुद बाजार में जाकर क्यों नहीं बेचते? कैसे बेचें बापू? बाजार तक जाने को रास्ता नहीं, माल रखने की कोई व्यवस्था नहीं, समय पर नहीं बेच पाए तो सारा माल सड़ जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। और वो बिरंची लाल इसी मजबूरी का फायदा उठाता है बाप। हम मेहनत तो बहुत करते हैं फिर भी भूखों मर रहे हैं। हम तो पानी पीकर सो जाते हैं लेकिन बच्चों का रोना मार देता है। बापू आपने अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाई, अब हमें इस बिचौलियों से देश को आजादी मैंने नहीं दिलाई है, देशवासियों ने संघर्ष किया है और आजादी ली है। अब हम क्या करें बापू? तैयार हो जाइए संघर्ष के लिए। माल कैसे बापू? हमने तो दाम देके खरीदा है। जो दाम देकर आपने इसे खरीदा है मैं उसे लूट ही कहूंगा। हम सही दाम लिए बिना तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये तो सरासर अन्याय है बापू। मैं भी यही कह रहा हूं, ये अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। ये कृषि प्रधान देश है, लोगों का पेट भरने वाले किसानों के पेट पर ही तुम लात मार रहे हो। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी, हम सब यही अनशन करेंगे। क्षमा करें बापू। सरकारें चल रही हैं, एक नेहरू की और एक गांधी की। गांधी जो कर रहा है वो खुला देशद्रोह है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। हमारे यहाँ ये फूल बहुत मिलते हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये पत्तियाँ? आप यहाँ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। करता क्या, कितने खत लिख डाले लेकिन कोई जवाब ही नहीं तुम्हारा। तुम्हें मेरे खत मिले भी या नहीं? सुषमा ऐसा कब तक चलेगा? बापू को सब पता चल गया। क्या? कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हाँ तो ठीक है, हम कौन सा कोई पाप कर रहे हैं? बापू औरत और आदमी के प्रेम को विकार मानते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कोई जरूरत नहीं है खुद भी समझने की, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, यहाँ से चली जाओ। नहीं बापू, यहाँ प्रयोग आश्रम में रहने के लिए अनुशासन जरूरी है, संयम से रहना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसमें सुषमा की कोई गलती नहीं है बापू, मैं खुद ही इसे मिलने आया। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। अरे नरेन तू कब आया रे? बस ये सुषमा से मिलने चुपके से आया है, इसके मन में विकार है। विकार कैसा बापू, ये तो इससे मिलने हमारे घर भी आया करता था। घर की बात अलग है, स्त्री और पुरुष को एकांत में नहीं मिलना चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं बापू, और हमारा प्रेम सच्चा और पवित्र है। मैं इस विषय में कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम दोनों ने मुझे बहुत दुख दिया। नहीं बापू, यहाँ देश सेवा का पवित्र कार्य किया जा रहा है, यह त्याग और समर्पण की जगह है। बिल्कुल मानता हूँ बापू, मुझे भी एक मौका दीजिए आपके साथ सेवा करने का, पूरी निष्ठा और आस्था के साथ काम करूंगा।
एक ही शर्त पर तुम यहाँ रह सकते हो। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें सुषमा को अपनी बहन मानना होगा। वो तू क्या कह रहा है बापू? ये दोनों प्रेम कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, और तू इन दोनों को बहन भाई बनाने लग रहा है। सुषमा यहाँ से चली जाए, फिर उसे जो करना है करे। सुषमा यहीं रहेगी। इसके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि आपके साथ मिलकर देश की सेवा करें, और ये पूरी निष्ठा के साथ वो करना चाहती है और करेगी। मैं जा रहा हूं, और मैं लौट कर तभी आऊंगा जब आप खुद मुझे बुलाएंगे। बापू समझ क्यों नहीं रहे? वो विद्रोह किससे कर रहे हैं? यह आजाद भारत है, यह अंग्रेजों की सरकार नहीं, हमारी अपनी सरकार है। ग्राम स्वराज लाएं, गांवों को सशक्त करें, कौन मना कर रहा है? लेकिन सब संविधान के दायरे में रहकर होना चाहिए। वहां गोड से लगातार लेख लिख के लोगों को भड़का रहा है, कहता है गांधी के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए, उसका निशाना बापू है और शिकार हम हो रहे हैं। बापू ने सबके सामने हमारी धोती उतरवा दी। कहा आप गांव का अपना कानून है, पटवारी की कोई जरूरत ही नहीं है, हम कहां जाएं? बापू ने गांव में अपनी पुलिस चौकी बना ली है, अपनी कचहरी बना ली है, अब कोई गांव वाला सरकारी कचहरी में नहीं जाएगा। गांधी जी कहते हैं ग्राम स्वराज बन गया है, उनकी अपनी सरकार है, भारत सरकार का कोई काम नहीं है यहाँ। हम तो कानून की इज्जत करते हैं, गांधी जी नहीं करते। टोटल गवर्नमेंट मशीनरी हैज कोलैप्स्ड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ बिहार। सारी रिपोर्ट्स, बयान और सबूतों की जांच के बाद इंक्वायरी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि दफा 121, 121A, 123, 124A और दफा 126 के तहत मोहनदास करमचंद गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं बड़ी विनम्रता से आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो राष्ट्रपिता है। देशापेक्षा मोटा कोणी ही नहीं, देश से बड़ा कोई नहीं है, और गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है। अगर इस वक्त हमने कोई कदम नहीं उठाया तो लोगों का सरकार, इंसाफ और कानून से भरोसा उठ जाएगा। अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस ऐसे हालात में जो सही है वही किया जाना चाहिए। पंडित जी। यस मौलाना, एनी प्रॉब्लम? पटेल साहब चाहते थे कि गांधी जी को दरभंगा पैलेस में रखा जाए। गुड। पर गांधी जी इस बात पर अड़े हुए कि उन्हें जेल भेज दिया जाए। ठीक है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करिए, प्रॉब्लम खत्म। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है। क्या मतलब आपका? गांधी जी उसी जेल में जाना चाहते हैं जहां गोडसे। चलिए।
बापू का बकरी नहीं रोकते, नहीं तो ऐसे ही गिरते पड़ते रहोगे। वार्ड से कौन से वार्ड में? वार्ड नंबर 5 में। और कौन है उसके साथ? नाना आपटे और करकरे थे, लेकिन अभी उन्हें दूसरी जेल में भेज दिया गया है। तो मुझे 5 नंबर वार्ड में ही भेज दीजिए। क्या? मैं जानता हूँ महात्मा जी कि आप स्पेशल परमिशन लेकर इस जेल में आए हैं जहाँ कोर्ट से है, और अब आप चाहते हैं कि आपको उसी के वार्ड में रखा जाए। माफ कीजिए, मैं इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगा। नमस्ते। तुम फिर आ गए। देखो कोर्ट से, गांधी जी अभी इसी वार्ड में रहेंगे। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांधी ड्रामेबाज है, इसे ये सब करने का शौक है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बराबर में कौन लेटा है कौन बैठा है। ठीक है महात्मा जी, कोई भी बात हो तो आप मुझे बताइएगा। प्यारे लाल और राम किलावन को बगल के सेल में रखा है। जी मैं चलता हूं। राम सिंह, यहां पैरा सख्त रखो, ध्यान रहे महात्मा जी है। मैं जानता हूं गोर से, मेरा यहां आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो क्यों आए? इस देश में सैकड़ों जेल, इस जेल में भी दसियों वार्ड, फिर भी तुम्हें इसी जेल में इसी वार्ड में आना था। मैं अपनी परीक्षा लेना चाहता हूं। कैसी परीक्षा? मैं जानना चाहता हूं कि आदमी पर मेरा विश्वास कितना पक्का है। क्या? मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। तुम मुझे क्या समझोगे? तुम्हारे मन में हिंदुओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, हिंदू राष्ट्र से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। हिंदू राष्ट्र क्या है? ये है हमारा हिंदू राष्ट्र, ऋषियों मुनियों की पावन भूमि, हमारा पवित्र अखंड भारत। देश कागज पे बनाए नक्शों से नहीं बनता गौर से। तुमने अफगानिस्तान, बर्मा, सिलोन, तिब्बत, भूटान सब इस नक्शे में डाल तो दिया है, पर क्या वहां के लोगों को जानते भी हो तुम? उनकी भाषा, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति कुछ भी मालूम है तुम्हें? लोगों का विश्वास जीते बिना देश नहीं बनता, ये तुम्हारी कोरी कल्पना है। सुनो, इस कल्पना को साकार करके रहेंगे हम। एक दिन यहां पर भगवा लहराएगा, देख लेना। तो गोडसे परेशान तो नहीं कर रहा गांधी जी को? नहीं। अरे गोडसे क्या परेशान करेगा बापू को, बापू ही उसकी क्लास लेते हैं, क्यों ठीक कहा ना जी? क्या पढ़ रहे हो गोडसे? हिंदू राष्ट्र का उज्जवल भविष्य, आपको कोई आपत्ति? बहुत प्रेम करते हो अपने देश से, अपने प्राणों से भी अधिक। कभी देखा भी है अपना देश हिंदुस्तान? नहीं देखा, लेकिन उससे क्या होता है? बिना देखे बिना जाने अपने देश से प्रेम करते हो? हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं ना, वो एक पूरा संसार है गौर से, और उस संसार में जो रहते हैं उन सभी के धर्मों, मान्यताओं और परंपराओं से हिंदुस्तान बना है। गलत, हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश है। तुम हिंदुस्तान को छोटा कर रहे हो गौर से। कैसे? हिंदुस्तान में हमेशा से अलग अलग धर्मों को मानने वाले एक साथ रहते आए हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, मुसलमान। हिंदुस्तान की संस्कृति एक मिलीजुली संस्कृति है। नहीं, हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सब विशुद्ध है। हिंदू धर्म में अनादिकाल से अनेकता रही है, ये विविधता और विशालता ही हिंदू धर्म की शक्ति है, महानता है। पहले तुमने हिंदुस्तान को छोटा किया और अब हिंदू धर्म को छोटा कर रहे हो।
दिखा रहा है? खून करके आया है या खून करने आया है? सुबह एक कैदी ने दूसरे की जान ले ली। आदमी से बड़ा हिंसक जानवर और कोई नहीं है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। अगर इस संसार को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो हिंसा को, हर तरह की हिंसा को छोड़ना होगा। नमस्ते बाबा, जिले साहब ने बुलाया है आपको। हाँ आइए बाबा, आइए। तोड़ से महाराज, एक बात बताओ, आप अहिंसा को नहीं मानते? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है अहिंसा, पर सारे काम अहिंसा से नहीं होते। तो आप हिंसा को मानते हो? देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस का वध किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सारे महापुरुष अत्याचार के विरुद्ध लड़े और उसका नाश किया। अंग्रेजों ने तो हम पर बहुत ही अत्याचार किया। किसी अंग्रेज पर तो आपने एक पत्थर नहीं मारा, गांधी बाबा पर गोली चला दी। यही कहीं होंगे, आते हम। इधर रख दीजिए बापू आके पी ले। यो कौन से? ये वही है जिसने बापू पर गोली चलाया था। है? क्यों रे? ए, क्यों चलाई तेरे गोली बापू पे? तेरी भैंस आंक ली थी या तेरा घर छोड़ दिया था? क्या कर रही है मां? बाहर आ गया था क्या? है? देख बापू आ गए। क्या हो रहा है? है? थोड़ा देर हो गई बापू, ले ले। ये बकरी का दूध है, पियो गोर से। है? तेरी मती मारी गई क्या बापू? सांप ने दूध पिला रहे है? चल ना, भावड़ा हो गया के बापू? चल ना माँ, दूध पिला रहे बापू को, गोली चला। नमस्ते बापू। नमस्ते, नमस्ते। क्षमा करना, सुषमा की माँ है, अनपढ़ औरत है, पर दिल की बहुत अच्छी है और भोली भी है, तभी तो वो ये नहीं जानती कि तुम कौन। तुम जानते हो मैं कौन हूं? हाँ, तुम हिंदुओं के शत्रु हो, हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने करा है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। मैं आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहा था कि देश के दो टुकड़े ना हो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सच तो यह है कि जब यह तय हो गया था कि देश को आजादी मिलने वाली है, तो मेरे अपने ही लोगों ने मुझे दरकिनार कर दिया, क्योंकि मैं अब उनके लिए भोज बन गया था। एकता और अखंडता मेरे सिद्धांत है गोडसे। तुमने अपने सिद्धांतों की आड़ में हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो किया, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था? चंपारण, अहमदाबाद के आंदोलन केवल मुसलमानों के लिए थे? असहयोग आंदोलन में क्या केवल मुसलमान थे? हरिजन उद्धार और स्वराज का केंद्र क्या मुसलमान थे? नमक का आंदोलन क्या केवल मुसलमानों के लिए था? और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए जो आमरण अनशन किया, वो क्या था? वो भी एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। मैंने देश में शांति और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अनशन किया था, ताकि खून खराबा बंद हो। मेरे अनशन की शर्तों में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने की कोई शर्त थी ही नहीं। तुम लोगों ने यह झूठा प्रचार किया था। और दुख की बात तो यह है कि इस संबंध में मेरे अपने लोग भी खामोश रहे, ताकि
उन पर कोई उंगली न उठाए। सारा दोष मेरे सर आ गया। का पंडित जी, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। अब बस एक ही उम्मीद है। क्या बात है प्यारेलाल? महात्मा जी, अलीगढ़ में दंगा भड़क उठा है। पंडित जी ये चाहते हैं कि आप एक शांति का संदेश दे दें जिसे रेडियो पर बजाया जाएगा। हाँ, बुला लो रेडियो वालों को, मैं शांति की अपील करूंगा। जी महात्मा जी। दिस मूवी मैं आपका शांति का संदेश देने। चुप महात्मा जी, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। ये मुसलमान सारी फसाद की जड़ है। अगर वो ना होते तो हमारे देश में बड़ी शांति होती। मुसलमान सातवीं शताब्दी में पहली बार इस देश में आए थे, केरल में। क्या उससे पहले यहां बड़ी शांति थी? उससे पहले हमारे भारतवर्ष में स्वर्णिम युग था। उस समय इस देश का समाज बहुत हिंसक था। पंथों के नाम पर इतना अत्याचार और मार काट की जाती थी कि हिंसा को रोकने के लिए दो बड़े धर्मों का उदय हुआ इस मिट्टी में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सत्य तो यह है कि हिंसा का किसी धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। हिंसा मनुष्य की एक आदिम प्रवृत्ति है जिस पर काबू पाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये पुरानी बातें छोड़िए, मुसलमानों ने हमारी सभ्यता को नष्ट किया, हमारे मंदिर तोड़े। सनातन धर्म को मानने वालों ने भी बौद्ध मत तोड़े थे। ईसाइयों ने मस्जिदें तोड़ी थी और मुसलमानों ने चर्च तोड़े थे। ये हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं है गौर से, ये धर्म के ठेकेदारों की समस्या है। उन्होंने हर धर्म की अपनी सीमा बना रखी है और दूसरे धर्म वालों को वो अपना दुश्मन मान लेते हैं। जब तक ये सीमा तोड़ी नहीं जाएगी, धर्म अधर्म बना रहेगा और धर्म के नाम पर खून खराबा होता रहेगा। की बात है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? गीता मेरा भी जीवन दर्शन है। गीता ने तुम्हें मेरे ऊपर गोली चलाने की प्रेरणा दी और मुझे तुम्हें क्षमा करने की। यह आश्चर्य की बात नहीं तो क्या है? तुमने गीता को तोड़ मरोड़ के अहिंसा के साथ जोड़ दिया, जबकि गीता निष्फल कर्म का दर्शन है। गीता से प्रेरित अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों तक का वध कर दिया था। युद्ध भूमि में वध करना और प्रार्थना सभा में किसी नियत पर गोली चलाने में बहुत अंतर है गौर से। और फिर अर्जुन ने तो युद्ध के मैदान में वध किया था। मैं तुमसे कौन सा युद्ध कर रहा था? विचारों का युद्ध। विचारों के युद्ध में हथियार नहीं, विचार चलते हैं।
शरीर तो नश्वर है, गोली से आदमी मरता है, उसके विचार नहीं। लेकिन अगर उद्देश्य महान और पवित्र हो तो देश सेवा के लिए। देश सेवा में अपनी आहुति दी जाती है, नियत थे लोगों की जान नहीं ली जाती। ये तुम्हारे विचार है, मेरे नहीं। हाँ, हम सब अपने अपने विचारों के लिए आजाद है, लेकिन हत्या करने की आजादी किसी को नहीं। समय के साथ विचार बदल सकते हैं, लेकिन जिसकी हत्या कर दी गई हो क्या उसे जीवित किया जा सकता है? गोडसे, मेरा पक्का विश्वास है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, ना बेईमान हो, ना धूर्त हो, ना मक्कार, लेकिन तुम जो सोचते हो वो ना ही हिंदुओं के हित में है, ना हिंदुस्तान के हित में। गलत, मेरे विचार महान है। चलो मान लेते हैं, तब भी अच्छाई को बुराई से कभी प्राप्त किया नहीं जा सकता। स्कॉलरशिप मिल गई है। मैं जाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन 3 साल के लिए जा रहा हूं। तुम्हारी याद मेरे साथ है। और हाँ, दुखी मन से तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने उस घर का सौदा कर लिया है जो हमारा सपना था, प्यार था। रात रानी की बेल बड़ी हो गई है, मेरे तुम्हारे लिए ना सही। जो भी उस घर में रहेगा उनके लिए रात रानी महके। जन तू तो तीनी तरीजे।
हमारी प्रार्थना सभा में क्यों नहीं आते हो? क्योंकि आपकी प्रार्थना में मेरी कोई आस्था नहीं है। ऐसा क्यों? हमारे देश में कई सालों से बड़ी निष्ठा और आस्था के साथ वंदे मातरम गाया जाता था, लेकिन चूंकि कुछ मुसलमानों ने इसका विरोध किया, आपने वंदे मातरम गवाना बंद कर दिया। ऐसा क्यों? आपने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हमेशा हिंदुओं को झुकाया है, गिराया है। वो हम पर जुल्म करते रहे और हम बजाय प्रतिशोध लेने के आप ये चाहते हैं कि बैठकर अहिंसा के भजन गाते रहे। ये सीख दे रहे हैं आप इस देश को। तो क्या मैंने इस देश के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया? कई अच्छे काम किए हैं आपने। आपने इस देश की आजादी की लड़ाई को एक दिशा दी, एक गति दी। बहुत सारे लोगों को आप एक मंच पर ले आए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। ये पूरा देश हमेशा आपका आभारी रहेगा। और इसीलिए आप पर गोली चलाने से पहले आपको प्रणाम किया था मैंने, झुककर आपके पैर छुए थे, और ये सब मैंने पूरी निष्ठा के साथ किया था। लेकिन आपके हठ और अहंकार ने आपके सारे अच्छे कामों को फीका कर दिया। Is presented by Cricket Book. अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी। मैंने सुना तुम बेहोश हो गई थी प्रार्थना सभा में, अब ठीक हो? अब मैं ठीक हूं। लग तो नहीं रही? क्या हुआ भाई? अरे बीमार लग रही है तुम्हारी बेटी, इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ। बीमार ना है वो, एक लड़का है नरेन, उससे ये शादी करना चाहता है। चुप करो माँ। अरे सुषमा और नरेन प्यार करे, शादी करना चाहे, और वो महात्मा रोक रहा है। वो क्यों रोक रहा है? अरे तने ना बेरा, महात्मा प्यार व्यार को नहीं मानता, प्यार को विकार कहे है, और कहे है कि शादी करनी है तो चली जाए यहाँ से, और ये महात्मा को छोड़ना ना चाहे। भोलेनाथ की कृपा करेंगे। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? प्रश्न? हाँ जरूर पूछो।
क्या यह सच नहीं कि आपने हमेशा अपनी इच्छाएं और अपने आदर्श दूसरों पर लादे हैं? वैसे तो आप आजादी के बड़े पक्षधर हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को आप आजादी नहीं देते। ये सवाल नहीं, आरोप लगा रहे हो तुम मुझ पर। आरोप नहीं, सच है ये। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने बहुमत से अपना अध्यक्ष चुना था, लेकिन आपने उन्हें पद लेने नहीं दिया, कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि आप अपने आदमी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वैसे तो आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन बहुमत का आदर नहीं करते। सरदार पटेल को 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक मत से अध्यक्ष पद के लिए चुना था, लेकिन उन्हें भी आपने अध्यक्ष पद लेने नहीं दिया, क्योंकि आप अपने चहेते पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा, जो आप हमेशा दूसरों के साथ करते हैं। मैंने जो भी आमरण अनशन किए वो सब देश हित के लिए किए हैं, निजी स्वार्थ के लिए मैंने कुछ नहीं किया। सब जानते हैं कि आप में तर्क करने की बड़ी क्षमता है, पर तर्कों और सिद्धांतों से बड़ी इंसान की जिंदगी। अरे भाई सुन, मार्केट में क्रिकेट बुक आई है जो डेली मेरी भाषा बोल रही है 1000 तक। वैसे किसकी बात कर रहे हो? सुषमा डिपॉजिट करने पर उसे शादी करने से क्यों रोक रहे हैं? और साथ में वो मेरे साथ तब तक वो आपकी दासी बनी रही है यार। और पैसे भी खुद क्यों उस बेचारे को अपने आदर्शों की भेंट चढ़ाना चाहते हैं यार? वैसे बीमार हो गई है वो। अरे भाई गूगल, वैसे तो आप बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, वैष्णव जन तो देने लिए पीर पराई जाने, ले ले जल्दी से, लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपकी सेवा करती है, उसकी पीर नहीं समझते आप। दुख दिया है, सताया है, जो भी तुम्हारे करीब आई है। ये तुम क्या कह रही हो? अपने आदर्शों और प्रयोगों की चक्की में तुमने हर औरत को पिसाया। नहीं, ये सत्य नहीं है। यही सत्य है, जो तुम्हारा विरोध करते हैं उनसे तुम डरते हो, जैसे बाबा साहेब अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, और जो तुम्हारी इज्जत करते हैं उन्हें तुम कष्ट देते हो, दुख देते हो। तुमने जयप्रकाश नारायण और प्रभा देवी के वैवाहिक जीवन का सत्यानाश कर दिया, अपने बेटे देवदास और लक्ष्मी का जीवन नरक बना दिया था, हरिलाल, मणिलाल, सुशीला, मीरा, आभा, मनु और गिनाओ नाम। बस बस करो बाप, चले जाओगे आज, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। सुनी तो तुमने वैसे भी किसी की नहीं, कम से कम दूसरों की आंखों से भी कुछ देख लिया करो। बेटी को बापू ने बुलाया। चल। आपने मुझे बुलाया? हाँ प्यारा लाल, नरेन को तार करके फौरन बुला लो।
नरेन को? लेकिन क्यों बापू? मैं सुषमा और नरेन की यही शादी करवाना चाहता हूँ। लेकिन आपका सिद्धांत? सिद्धांत जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं मेरे, कुरूप बनाने के लिए नहीं। अरे नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तू तो रो रही है, मैंने तो सोचा कि तू खुश है। अगर ऐसा है तो मैं नरेन को नहीं बुलाऊं। बड़ा पुण्य का काम करे हैं तुम्हारा, बड़ा पुण्य का। बस अब जाओ, बेटी की शादी की तैयारी करो। केरल जी, क्यों ठीक कर रहा हूं ना नत्थुराम विनायक घोड़से जी? बहुत सही जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। अरे भाई सुन, मार्केट में क्रिकेट बुक आई है जो डेली एक बैट फ्री दे रही है 1000 तक। अच्छा, और भाई पता है 10,000 डिपॉजिट करने पर 100% बोनस दे रही है और साथ में कैसीनो वेलकम बोनस भी 100%। सही है यार, और पैसे भी खुद से डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। वाह यार,
वैसे नाम क्या है इस क्रिकेट बुक का? अरे भाई गूगल कर www.cricketbook.com, यही नाम है, और अपना बोनस और फ्री बैट ले ले जल्दी से। ठीक है भाई, अभी जाता हूँ cricketbook.com पर।